किया, जानवर के जैसे सुलूक कर रही हो मेरे साथ। और क्या करूँ, तू मेरे बेटे को खा गई। जब से मेरे घर में कदम रखा है सब कुछ अपशगुन हो रहा है। तूने मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। कल मुही आगे से मुझसे जबान लड़ाई ना तो इन जख्मों को याद कर लियो, इससे भी गहरे जख्म दूंगी तुझे मैं। अरे घर पे कोई दिख ही नहीं रहा। माँ सुन, तेरा जेब आ रहा है, अपनी जबान मत खोलियो उसके आगे, समझी? अरे बेटा क्या हुआ, तू आज इतनी जल्दी कैसे आ गया? अरे माँ आपको पता तो था आज मेरा हाफ डे है, शायद आप भूल गई हैं। आप भी ना कितनी भुलक्कड़ होती जा रही हैं। अरे बेटा मैं भूल गई होंगी ना, बूढ़ी होती जा रही तो दिमाग से निकल गया होगा। अब क्या करूं, मेरा बेटा तो जल्दी आ गया और बहू के चोट के निशान भी दिख रहे हैं। कुछ करना पड़ेगा, अगर अक्खी ने देख लिया तो बहुत भयंकर कलेश मचा देगा। माँ आप क्या सोच रही हो? अरे बेटा कुछ नहीं, सर में थोड़ा दर्द हो रहा था, चक्कर से आ रही थी। अरे करिश्मा ये तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी हुई है, और तुम्हारे हाथ भी चोट लगी हुई है, ये क्या हो गया तुम्हें? वो कुछ नहीं जेठ जी, फ्रिज से जब मैं सामान निकाल रही थी तो दरवाजा खोलते टाइम वो दरवाजा मेरे जोर से सर पर लग गया, इस वजह से वो निशान पड़ गया। अच्छा ठीक है, तुम जाके रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए जाकर मार्केट से दवा ले आता हूँ। और माँ जी आप मेरे लिए खाना लगाइए, मैं आता हूँ। अच्छा हुआ तूने अपनी जबान नहीं खोली, खोलती ना तो तुझे इस घर में दफना देती मैं। जा जाके खाना बना, मेरा बेटा आएगा तो उसे खाना परोस दियो। जी माँ जी। जेठ जी ये लीजिए पानी। करिश्मा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए जेठ जी। करिश्मा अगर तुम बुरा ना मानो तो बैठकर बातें करें। जेठ जी मैं आपके साथ बैठती भी अच्छी नहीं लगूंगी। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं पुराने ख्यालात का नहीं हूँ, बैठ जाओ प्लीज। मम्मी जी ने देख लिया तो? अरे मम्मी जी कुछ नहीं कहेंगी, मैंने आपसे कहा ना कि बैठ जाइए आप। ठीक है बताइए आपको क्या कहना था मुझसे। हाँ देखो करिश्मा, शायद मेरी बातें तुम्हें बुरी लग सकती है, पर मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें करूंगा जिससे कि तुम शायद ये सोचो कि मैं अपने फायदे के लिए बात कर रहा हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। क्या आप पागल तो नहीं हो गए हैं, आप शादी करेंगे वो भी मुझसे? हाँ मैं यही चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारी उम्र क्या ही है और इस उम्र में आई थिंक तुम्हें खुश रहना जरूरी है, और अभी तो तुम्हारी पूरी उम्र बाकी है और तुम ऐसे पूरी जिंदगी कैसे काटोगी? और मेरा मानना तो यही है कि पुराने जमाने के लोग जो भी नियम बना गए हैं वो नियम कुछ अच्छे नहीं लगते हैं मुझे, और हमारा दिमाग लॉजिकल है, हमें खुद अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो करिश्मा प्लीज तुम्हारे पास टाइम है और मैं मम्मी से बात कर लूंगा इस बारे में। जेठ जी आपकी सोच ना बहुत अच्छी है, और भगवान करे ना ऐसी सोच सबकी हो, लेकिन आप जानते हैं ना ये सारी बातें फिल्मों और किताबों में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में ना जब लड़की की एक बार शादी हो जाती है ना और वो विधवा हो जाती है, उसको शादी तो करना तो दूर की बात, वो अपने मनपसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकती, यहाँ तक कि खेलना उठना बैठना वो कुछ भी पहले की तरह नहीं कर सकती। तो आप ये ख्याल ना अपने दिल से निकाल ही दीजिए कि मैं दोबारा शादी करूंगी, मैं तो क्या ये समाज भी मुझे नहीं एक्सेप्ट करेगा। देखो करिश्मा ये तुम्हारा डिसीजन होगा कि तुम्हें क्या करना है, और रही बात समाज की तो समाज ना ही हमें खाना खिलाता है ना ही हमारे खर्चे उठाता है। जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, हम किसी दुखों से गुजर रहे होते हैं, तो समाज नहीं आता है हमें बताने या हमें ऊपर उठाने, बल्कि हमें खुद ऊपर उठना होता है। तो ये तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है। रही बात विधवा रहने की, तो मैं नहीं चाहता कि तुम पूरी जिंदगी विधवा रहो,
तुम्हारा भी हक है खेलना, तुम्हारा भी हक है जिंदगी जीना। समाज ने कोई बंधन लगा रखा है, उसको तुम चाहो तो तोड़ सकती हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आज हम ये बंधन नहीं तोड़ेंगे तो फिर कौन तोड़ेगा? हम नहीं कदम उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? अगर बात करो महिलाओं की, तो पिछले 60 सालों से महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। सती प्रथा खत्म हुई ना क्योंकि किसी महिला ने आवाज उठाई। आज जब पति मर जाता है तो उसके साथ पत्नी को नहीं जलाया जाता है। उसी तरीके से एक विधवा को भी हक है अपनी जिंदगी को जीने का और दोबारा शादी करने का। और आई थिंक तुम्हें यह कदम उठाना चाहिए और मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। आप सही कह रहे हैं जेठ जी, जब तक मेरे जैसी महिला एक कदम नहीं उठाएंगी ना, समाज में औरतों के साथ ही जुल्म होता ही रहेगा। शायद मुझे ये जुल्म की बीड़ियां तोड़नी चाहिए और फिर से शादी करनी चाहिए। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, और मैं कल माँ से बात करूंगा। माँ जी, माँ जी तो कभी राजी नहीं होगी शादी के लिए। पर क्यों? क्योंकि तू मेरे बेटे को खा गई। जब से मेरे घर में कदम रखा है सब कुछ अपशगुन हो रहा है। तूने मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। कल मुही आगे से मुझसे जबान लड़ाई ना तो इन जख्मों को याद कर लियो, इससे भी गहरे जख्म दूंगी तुझे मैं। माँ जी को हमेशा यही लगता है कि उनका छोटा बेटा मेरी वजह से गया है, मैं मनुष्य हूँ। लेकिन उनको क्या बताएं कि वो मेरी वजह से नहीं अपनी गलतियों की वजह से गया। दिन रात दारू पीता था लेकिन मैंने घर में कभी नहीं बताया। वो अपनी गलतियों की वजह से गया है, अपनी बीमारी की वजह से गया है, लेकिन वो मुझे दिन रात मनुष्य कहती रही और मैं चुपचाप सहती रही। ठीक है करिश्मा, तुम चिंता मत करो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम पे कोई जुल्म नहीं होगा। कल मैं माँ से बात करूंगा। पिंक साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। बहू, तेरे माथे पे सिंदूर कैसे और ये रंगीन साड़ी? बेटा ये क्या हो रहा है? माँ वो हमने शादी कर ली है। क्या? हाँ माँ, हमने शादी कर ली है। और अभी करिश्मा की क्या ही उम्र हुई है? उसकी एज अभी बहुत कम है माँ, और सारी जिंदगी विधवा रहे ये अच्छा नहीं है। तो मैंने सोचा कि हम दोनों शादी कर ले। हाँ मैंने आपसे नहीं बताया, पर पता है आपको मैंने क्यों नहीं बताया? क्योंकि शायद आप इस लायक नहीं हैं। पर बेटा ऐसा मैंने क्या किया है? माँ मुझे करिश्मा ने सब कुछ बताया कि मेरे जाने के बाद आप उस पर कितना जुल्म करती हो, और मेरा भाई यानी आपका छोटा बेटा इस दुनिया से इसलिए नहीं गया कि वो मनहूस है, इसलिए गया क्योंकि वो दारू पीता था। वो बहुत गलत काम करता था माँ, वो अपनी गलतियों की वजह से गया है और उसकी सजा ये क्यों भुगते? इसलिए मैंने इसे शादी की। और हाँ माँ, मुझे पता है आप यही कहेंगी कि अब इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो हाँ माँ, मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो हम खुद चले जाएंगे। और हाँ माँ, आप खुश रहिए अपने धन दौलत के साथ और इस घर के साथ, अपनी प्रॉपर्टी के साथ। आपने अपने बेटे को अपना बेटा समझा और पराई बेटी को हमेशा गलत नज़र से देखा, हमेशा बुरा बर्ताव किया। माँ ये अच्छी बात नहीं है, और अब हम यहाँ से हमेशा के लिए जा रहे हैं। करिश्मा चलो यहाँ से। लेकिन बेटा